हेलो नमस्कार। कक्षा 12 के डे 174 में हम हैं आज और आगे की बात कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स हमारी चल रही है। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, सबसे ज़्यादा अंकों के आते हैं। इसके अंदर हमने अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या कर ली थी हाइगेंस के सिद्धांत से डे 172 में और डे 173 में। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये भी बात आप ध्यान रखिए कि कौन सा टॉपिक किस प्रकार से पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें से अगर आएगा तो किस क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से आएगा, तो आप उसी के अनुसार तैयारी करें। जो इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं इसका मतलब उसमें आपको लाइन टू लाइन थोड़ा बारीकी से पता हो कि किसका मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर है तो क्या है, कोई डेफिनेशन है तो क्या है, किसी का आंसर वन वर्ड में है तो क्या है, वो हमें पर्टिकुलर पता होना चाहिए। बेवजह की बड़ी थ्योरी के न पता होकर बारीकी से आंसर पता हो। दूसरी बात, अगर जिनमें बड़े क्वेश्चन होते हैं तो जिनमें चार नंबर का क्वेश्चन आता है तो उनमें आपको क्या ध्यान रखना है, पूरा डेरिवेशन, उसके कंसेप्ट, उसका प्रिंसिपल, वो सब चीज़ें आपको पता हो, उसमें पूरी थ्योरी पता हो, उसके बारे में यानी पूरी डिटेल हमें पता रहे, तो बड़े क्वेश्चन में वैसे दिक्कत आती भी नहीं है। हम मानते हैं कि बड़े क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल रहते हैं लेकिन बड़े क्वेश्चन सबसे आसान रहते हैं, क्योंकि क्या करना होता है, शुरू से लग जाओ और लास्ट तक सारा शुरू से लेकर सिस्टमेटिक पूरा प्रूफ कर दो शुरू से लास्ट तक। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या रहता है कि हमें केवल पर्टिकुलर एक वर्ड पूछा गया है, एक लाइन पूछी गई है, एक फॉर्मूला पूछा गया है या कोई मात्रक विमा कुछ पूछा गया है, तो हमें पर्टिकुलर एक ही चीज़ उसमें से निकाली गई है और वही बाई चांस हमें उस समय याद नहीं आ रही या भूल गए या पता नहीं है या हमने पढ़ते समय छोड़ दिया, अब वो नहीं आती तो उसके अलावा कुछ भी आता हो उस टॉपिक से कोई काम का नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस हिसाब से उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें हम बहुत सिंपल सिंपल बात करेंगे, जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है टॉपिक, समतल तरंगागर से अपवर्तन और परावर्तन। यानी अगर समतल तरंगागर आपतित तो होता है किसी भी लेंस पर, दर्पण पर, प्रिज्म पर, तो उससे कैसे तरंगागर निर्मित होते हैं अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, तो उसमें आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर दे दी जाती है। जैसे प्रिज्म से दो तीन बातें हम सारी कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा पूरा। सबसे पहली बात कर रहे हैं प्रिज्म से, लेकिन कंडीशन क्या ले रहे हैं, हम समतल तरंगागर ही ले रहे हैं अभी एक, ठीक है, तरंगागर गोलाकार भी हो सकते हैं। तो इस पे जब समतल तरंगागर आपतित तो होंगे प्रिज्म पर तो ऐसे आपतित तो हो रही है प्रकाश किरणें, तो ये जो तरंगागर है तरंगागर के लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश किरण कहलाती है और ये क्या कहलाता है, ये समतल तरंगागर है। तो यहां से अगर लंब डाल दें तो ये पीछे का भाग बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो यहाँ से जब प्रकाश किरणें निकलेंगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें केवल ये बताना है कि अपवर्तन के बाद कैसी होगा तरंगागर, हमें ये बताना है केवल। स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो हमें बिल्कुल बिना लिखे भी याद हो जाएगा, ये बिना लिखे भी याद हो जाएगा। यहाँ से जाएगी तो अपवर्तन होगा, इधर आएगी इसका भी अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद ये यूं निकल जाएगी, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, प्रकाश किरण निकल जाएगी। तो यहाँ से अगर इधर देखें, इस पर लंब डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये इसके बाद की समतल तरंगागर आई है, वैसे ही निकलेंगे। तो ये भी कैसा तरंगागर प्राप्त होगा, समतल तरंगागर प्राप्त होगा। अब इसमें एक लाइन आपको लिखनी है, केवल एक लाइन, और वो क्या लिखनी है, प्रिज्म पर आपतित समतल तरंगागर से निर्गत तरंगागर भी समतल ही प्राप्त होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें तीन वर्ड आ रहे हैं, प्रिज्म पर आपतित समतल तरंगागर से निर्गत होने वाले तरंगागर भी समतल होते, समतल से क्या होता है। अब ये पूछते हैं क्वेश्चन, देखो कैसे आएगा, प्रिज्म से निर्गत तरंगागर किस प्रकार के होते हैं, समतल होते। प्रिज्म पर यदि समतल तरंगागर आपतित होते हैं तो निर्गत तरंगागर किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ऐसे उपकरण का नाम लिखो या ऐसी युक्ति का नाम लिखो जिसके द्वारा आप समतल तरंगागर आपतित होने के बाद निर्गत भी समतल ही होते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं ये घटना,
इस तरह से घुमा फिरा के बात पूछ ली जाती है। तो अपने को हर स्थिति में एक ही वर्ड लिखना है कि निर्गत समतल होते हैं, ये घटना प्रिज्म के द्वारा होती है, समतल से समतल होते हैं। तो अभी इतना बात अपने को पता हो, अब ये बात हम चाहे लिख लें या डायरेक्ट वैसे भी ध्यान रह जाएगी। दूसरी बात आती है लेंस। लेंस से क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है कि आपतित तरंगागर तो क्या होते हैं, आपतित तो हम समतल ले ही रहे हैं, अभी ये ध्यान ही रखना है अपने को। आपतित तो क्या ले रहे हैं, हम समतल ले रहे हैं, आपतित समतल तरंगागर से। निर्गत कैसे होते हैं, निर्गत होते हैं गोलीय, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी लेंस पर समतल तरंगागर आपतित होते हैं तो उससे निर्गत होने वाले तरंगागर कैसे होंगे, कैसे होंगे, गोलीय होंगे। अगर आपको उत्तर लेंस दे दिया जाए, अभिसारी लेंस, तो भी गोलीय होंगे, अवतल दे दिया जाए तो भी गोलीय होंगे, ये हम सिद्ध कर सकते हैं, बना के दिखा सकते हैं। दूसरा एक बात और मैं बताना भूल गया कि आपको डायग्राम भी पूछा जा सकता है इसके अंदर। समतल से आपतित समतल तरंगागर से निर्गत समतल तरंगागर प्राप्त होने के लिए चित्र बनाइए, तो प्रिज्म बना दो। आपतित समतल तरंगागर के कारण निर्गत गोलीय प्राप्त तरंगागर प्राप्त होने के लिए चित्र बनाइए, तो लेंस बना दो, दर्पण बना दो। हम तीनों के लिए करेंगे, दर्पण से कैसे होते हैं, लेंस से कैसे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब हम लेंस के लिए बात करें तो देखो लेंस है, ये लेंस मान लेते हैं, लेंस है ये, उत्तल लेंस है। यहां पर कैसे तरंगागर आपतित हो रहे हैं, ये कैसे तरंगागर है, ये समतल है। ये जो होता है लंबवत, ये तरंगागर है, लंबवत जो किरण होती है तरंगागर के, लंबवत किरण रेखा जो होती है इसको किरण कहते हैं। तो ये तो क्या हो गया समतल तरंगागर, ये तो हो रहा है आपतित। अब अपवर्तन के बाद क्या होगा हमें पता है, लेंस क्या करते हैं इनको एक जगह फोकसित कर देते हैं, ये तो करते हैं ठीक है। अब यहां से ये समतल नहीं है, ये ध्यान रखना ये समतल नहीं है, क्योंकि यहां से जब प्रकाश किरणें इकट्ठी हो रही है, केंद्रित हो रही है, ये केंद्रित हो रही है, तो ये क्या हो रहा है तरंगागर इस तरह से प्राप्त हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तभी तो लास्ट में ये बिंदु बनेगा। समतल से बिंदु प्राप्त नहीं होगा, समतल से तो सीधी रेखा ही प्राप्त होंगी। तो यहां क्या होगा, ये ऐसी स्थिति केंद्रित हो रहा है, जब केंद्रित होता है तो हमेशा धीरे 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 उसकी त्रिज्या कम होती रहती है, एक गोलीय भाग बनते हैं, इसीलिए तरंगागर कैसा ये गोलीय तरंगागर है। अब गोलीय तरंगागर के भी दो प्रकार रहते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है फिर भी ध्यान रख सकते हैं हम, अपसारी और अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, केंद्रित होती है प्रकाश किरणें, तो क्या होगा जो जो गोलाकार तरंगागर बनेंगे वो छोटे होते होते जाएंगे और अंत में वो बिंदु बन जाएंगे, तो गया ना केंद्र पे पहुंच गया, केंद्रित हो गया वो, इसलिए उसको क्या कह देते हैं अभिसारित गोलीय तरंगागर है, या आप ध्यान रख सकते हो गोलीय तरंगागर है। अगर वो फैल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो क्या होगा अपसारित, ठीक है। तो वैसे ही उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं हमें पता है, तो अभिसारी तरंगागर है ये। और ये जो निर्मित तरंगागर है, निर्गत तरंगागर कैसे हैं, निर्गत गोलीय तरंगागर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, तो सिंपल सी बातें हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। अब इतनी बात पता रहेगी तो क्वेश्चन देखो किसी भी प्रकार से आ जाए हम उसमें बता सकते हैं, बता सकते हैं ना, उत्तर लेंस से कैसे तरंगागर निर्गत होंगे, यदि समतल आपतित होते हैं तो गोलीय होंगे, गोलीय में भी अभिसारित होंगे ठीक है। और आपतित समतल तरंगागर से गोलीय तरंगागर प्राप्त करने की युक्ति क्या है, लेंस है ठीक है। लेंस का आप पर्टिकुलर नाम भी लिख सकते हैं, दोनों ही लेंसों से ये स्थिति होती है। दूसरे का भी हम यूज करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अपसारी लेंस कहते हैं इसको, अपसारी लेंस। ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ से क्या होता है ये केंद्रित होती है क्या, अपसारित होती है, फैल जाती है प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, इधर फैल जाएगी ये इधर फैल जाएगी, तो लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर तो क्या होगा ये मिलेगी, मिलेगी ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये बातें हमने रे ऑप्टिक्स में कर ली सारी। तो ये तो प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ये तरंगागर कैसा है, ये तो समतल तरंगागर। तो आपको दो बातें लिखनी है, एक तो आपतित कैसा है समतल, एक फिर अपवर्तित कैसा है। अब ये लिखा ना हमने अपवर्तन और परावर्तन, तो इसमें भी अपवर्तन हो रहा है
इसमें भी क्या हो रहा है, पूछ लेना अपवर्तन के लिए बताइए, तो अपवर्तन के लिए आपको लेंस का यूज कर लेना है। अब देखो इसके अंदर कैसे बनेंगे प्रकाश किरण, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना, ऐसे बनेगी। समतल में क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं, अगर रेखाएं इस तरह से बढ़ रही हैं तो क्या होगा, वो गोली है। इसमें भी अगर बात करें, जैसे अगर पूरा बनाएं तो ये थोड़ा डायग्राम खराब हो जाएगा, पूरा बनाएं तो ऐसे इस तरह से फैलेंगी, ये इस तरह से फैलेंगी, तो इधर बनाएं तो कैसे बनेंगी, इधर बनाएंगे तो बढ़ती जा रही है ना, दूरी बढ़ती जा रही है, और इधर से तो चल रहे हैं हम, देखो ये बिंदु है इसका, इधर से आगे बढ़ते बढ़ते आप उधर भी बना सकते हो, ये डायग्राम इधर भी बना, किधर भी बना लो, और दोनों तरफ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई ना बात। तो कैसा तरंगागर है ये, कैसे निर्मित हो रहे हैं अपवर्तन के पश्चात, गोलीय तरंगागर। तो आपको ये लिखना है कि लेंस में अवतल हो या उत्तल हो, दोनों ही स्थितियों में अपवर्तन के पश्चात गोलीय तरंगागर निर्मित होते हैं यदि उन पर समतल तरंगागर आपतित किए जाएं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए इसके अंदर हर क्वेश्चन का आंसर है इससे संबंधित। तीसरी बात कर लेते हैं, दर्पण की ओर कर लेते हैं। दर्पण से, दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरण आपतित होती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसमें भी हम बात कर लेते हैं अवतल उत्तल की। ये ले लेते हैं, कौन सा दर्पण है, कौन सा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ये। अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण क्या होंगी, इकट्ठी होंगी या केंद्रित होंगी। ठीक है, कैसा बन गया ये, गोली तरंगागर, किसके बाद, परावर्तन के बाद, और ये आपतित कैसे हैं, समतल तरंगागर। ठीक है, दूसरा बना ले, ये कौन सा दर्पण है, कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ये क्या करते हैं, इधर जाएंगी प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, सॉरी परावर्तन के बाद में। ठीक है, तो ये किधर मिलेंगी, इधर तो नहीं आए, इधर तो उधर चली गई, अब किधर मिलेंगी, आगे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो कैसे बनेगा इनका, इस तरह से बनेगा, इधर भी बना सकते हैं, इधर जा रही है ना ये, तो ये देखो ऐसे बनेगा। तो वही आपतित तो वही लिखना है, समतल और परावर्तन के बाद में क्या बन रहा है, गोलीय तरंगागर। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको सारी आकृतियां पता होनी चाहिए, आकृति भी पूछी जा सकती है कि चित्र बनाइए, या प्रिज्म से कैसा होता है, ठीक है, लेंस कैसा होता है, लेंस में भी अलग अलग अगर नाम दे दें उत्तल के लिए अवतल के लिए तो, और तीसरा दर्पण से कैसा होता है, तो दर्पण से भी अलग अलग नाम दे दें तो उत्तल के लिए अवतल के लिए बना सकते हो। स्थितियाँ सेम है वैसे कि गोलीय ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो स्ट्रक्चर अलग हो सकता है इनकी, तो वो हम इनका ध्यान रख सकते हैं। तो ये करके देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बातें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे क्वेश्चन में, जब पेपर थोड़ा सा टिपिकल लेवल पर बनाया जाता है तो इस तरह से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, तो इनको रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक की बात करेंगे। तब तक पढ़ लें। Thank you.